नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चाहे फ्लावर हो या सब्जियाँ, फ्रूट्स, कुछ भी पौधे आप लगाते हो तो इतने हरे भरे और खूबसूरत रहने के लिए कोशिश हमारी यही रहती है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी जाए। तो आज मैं आपको फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में कैसे बनाते हैं, घर में बनाकर मैं आपको फ्री का फर्टिलाइज़र दिखाने वाली हूँ। तो चलिए चलकर वीडियो के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि कैसे हम अपने पौधों के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर में ही मुफ्त का बना ले सकते हैं। पौधे को अच्छी वृद्धि, फ्रूट और फ्लावर के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति अगर हमारे घर से ही हो जाती है तो बहुत बेहतर रहेगा। और इसलिए वीडियो को ज़रूर देख लेंगे और साथ ही इसको बनाकर उपयोग करेंगे। दोस्तों, मैं आ गई हूँ, यहाँ पर मटेरियल आपके सामने है और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक एनपीके, जो आपके हर एक प्रकार के पौधे में लाभदायक होगा, चाहे पौधे आपके फूल वाले हों, फल वाले हों या सब्जियों का, सब में आप इसको डाल सकते हैं। और एक बात मैं और आपसे कर लूँ कि इसमें आप चाहे तो लिक्विड वाली भी बना सकते हैं और ड्राई भी बनाकर इसको रख सकते हैं। ड्राई बनाने में अगर आप एनपीके बनाते हो तो आपको करनी है कि जो वस्तुएँ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है इनको पहले ड्राई कर लेना होगा और इसके बाद उसको ग्राइंडर से ग्राइंड करके तब तैयार कर लेना हो। एक लीटर मैं यहाँ पानी रख रही हूँ, एक लीटर पानी का मैं बना रही हूँ। आप अगर इसे ज़्यादा या कम बनाते हैं तो उसी के अनुपात में आप उसमें मटेरियल बढ़ा लेंगे। तो यहाँ एक लीटर पानी है। अब सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ कि हम लोग चाय पत्ती का उपयोग करते ही रहते हैं। चाय पत्ती, चाहे नई चाय पत्ती हो उसका भी आप यूज कर सकते हैं, या आप जो यूज्ड आपके पास टी लीव्स है उसका भी उपयोग कर सकते हैं, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है। हाँ, करना यही है कि अगर आप नई वाली कर रहे हो तो दो चम्मच ही आप यूज करें, और अगर आप यूज्ड चाय पत्ती जिसका आपने चाय बनाकर उपयोग कर लिया है उसका उपयोग कर रहे हैं तो मात्रा दुगुनी कर दें, यानी चार चम्मच उसका उपयोग करें और उसको धोकर सुखाकर और इसके बाद ही उसको आपको यूज करना है। तो इसको पानी में डाल देते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती तो मैंने इसमें डाल दी। अब चाय पत्ती में रहता क्या है ये मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो इसमें नाइट्रोजन 4.5% इसमें नाइट्रोजन रहता है, पोटेशियम 0.04% रहता है और फास्फोरस भी 0.05% रहता है। इसके साथ ही चाय पत्ती में ढेर सारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो आपके पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। और चाय पत्ती आप जो एसी लविंग प्लांट हैं, जिसमें कि मैं बात करूं आपसे तो मैक्सिमम आपको प्लांट जो हैं वो मैं देखती हूं एसी लविंग ही होते हैं, तो उनमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसमें जो उपयोग करने जा रही हूँ वो है आलू का छिलका। ये काफ़ी फायदेमंद होता है। आपने देखा कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक थी चाय पत्ती में, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा कम थी, तो आप देखोगे कि आलू के छिलके में पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा अच्छी रहती है और इसलिए इसमें आलू के छिलके जो घर में यूज होते हैं उसको भी मैं इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों, केले के छिलके का उपयोग अक्सर हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर करते हैं या फिर इसको ड्राई करके इसको पीस करके पाउडर बना करके भी यूज करते हैं। केले के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम और कैल्शियम होता है जो आपके पौधे के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं दो केले का छिलका ली हूँ और इसको मैं इस पानी में डाल दे रही हूँ। आप इसको कट करके भी चाहे तो डाल सकते हैं।
जो मैं इसमें डालने जा रही हूँ वो है प्याज का छिलका। प्याज का छिलका घर में बर्बाद होता है, फेंक देते हैं हम, और हमारा ये एनपीके तैयार करने में काम में आएगा। इसमें कैल्शियम होता है और साथ में पोटेशियम भी इसमें काफ़ी मात्रा में होता है। तो प्याज के छिलके, दो प्याज तीन प्याज के छिलके आप इसमें डाल दें। दोस्तों अब मैं, हम लोगों ने जो यहाँ बना लिया उसमें आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इसके साथ ही ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट। आलू के छिलके जब मैंने डाले इसमें तो इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस और ढेर सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं। अब इसमें जो मैं डालने वाली हूँ ये है अलम फिटकरी जिसको बोलते हैं, और इसको डाल देने से फंगस वगैरह लगने की जो संभावना रहती है वो आपके पौधे में नहीं रहेगी। ये एंटी बैक्टेरियल भी है, आपके पौधे बीमारी से भी बचाएगा। और सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज करने से हमारे सॉइल की एसिडिटी समाप्त हो जाती है। तो अगर आप उसमें थोड़े से, आप देख रहे होंगे दो चुटकी इसमें मैंने अलम का रखा है, अगर इतना अगर आप डाल देते हो तो आपकी सॉइल फिर से रीगेन हो जाएगी, पहली वाली शक्ति प्राप्त कर लेगी। दो चुटकी इसमें मैं अलम का पाउडर डाल रही हूँ। दोस्तों अब इसको अच्छी तरह से मिला देना है, और इसका यूज कब करना है और कैसे करना है इस पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। इसको ढककर बंद करके कहीं छाए वाली जगह में रख दें, और अगर आपने इसको यूज करना है तो 48 से लेकर आपको 72 घंटे तक इसको इसी में रहने देना है। अगर मिनिमम समय में आपको यूज करना है तो 48 घंटे में आप इसका यूज कर सकते हैं। यूज करने में आपको इसमें से एक कप लिक्विड, जो यहाँ आपने न्यूट्रिएंट्स जो बनाया है पौधे के लिए, एनपीके जो तैयार किया है, ये एक कप लेते हो तो इसके 4 गुने पानी आपको यूज करना। जो सॉफ्ट पौधे हैं और जो बहुत बड़े पौधे हैं, स्ट्रॉन्ग पौधे हैं, उसमें आप 50% भी यूज कर सकते हो। 50% यहाँ जो बनाई गई है न्यूट्रिएंट्स वो एनपीके और 50% पानी मिलाकर इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ढककर अब रख देती हूँ, और फिर मैं आपसे अब मिलूँगी दूसरी वीडियो में। इसमें मुझे लग रहा है कि आपको मैंने जो कुछ भी बताई है वो समझ में आ गई होगी। अब आप भी अपने घर में एनपीके तैयार करें और अपने पौधे को ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें। मैं चलती हूँ, आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।